गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे भैया बहनों, जैसा कि आपने इसके पहले हमारे वीडियो क्लिप में एसएसटी की क्लास में कक्षा 10 की क्लास में आपने समझा कि किस तरीके से राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ, राष्ट्र क्या है तथा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ, उसी की अगली कड़ी में आप समझेंगे कि फ्रांस में क्रांति का प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ और फ्रांस की क्रांति का क्या उद्देश्य रहा, जिसमें पहली हेडिंग आप समझते हैं कि फ्रांस की क्रांति में राष्ट्र की पहली अभिव्यक्ति क्या थी। फ्रांस की क्रांति के कारण फ्रांस की राजनीतिक और संविधान में कई बदलाव आए। सन 1789 ईस्वी में सत्ता का स्थानांतरण राजतंत्र से एक ऐसी संस्था को हुआ जिसका गठन नागरिकों द्वारा हुआ था। उसके बाद ऐसा माना जाने लगा कि फ्रांस के लोग ही आगे अपने देश का भविष्य तय करेंगे। यथार्थ यह है कि फ्रांस की जो जनता थी उन्होंने राजतंत्र को नष्ट करने के लिए, राजतांत्रिक प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए स्वयं को 1789 ईस्वी में ही ऐसे जन समुदाय के अंतर्गत पिरोया जिसमें संपूर्ण जनता ने मिलकर राजतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ अपनी अभिव्यक्ति जारी की, अपने आप को तैयार किया, अपने आप को जागरूक किया कि किस तरीके से हमें अपने देश के लिए लड़ना है, अपने देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए लड़ना है, किस तरीके से प्रजातंत्र का निर्माण करना है, यही अभिव्यक्ति कहलाई। आगे देखते हैं कि राष्ट्र की भावना की रचना, क्रांतिकारियों ने साझा पहचान की भावना स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए, उनमें से कुछ निम्नलिखित है। जो क्रांतिकारी थे उसमें से अहम रूप से कहा जाए तो उन लोगों ने किस किस प्रकार की चीजें उनके जीवन में लागू करनी है, कौन कौन चीजों पर उन्हें अपना स्थापित दिखाना है, उसके लिए कुछ बिंदुओं पर उन्होंने कुछ नियमों को लागू किया, जिससे पहला बिंदु इस प्रकार से देखने को मिलता है कि एक पितृभूमि और उसके नागरिकों की भावना का प्रचार, जिससे एक ऐसे समाज की अवधारणा को बल मिला जिससे लोगों को संविधान से समान अधिकार प्राप्त हुए। पितृभूमि का अर्थ है जो उनके पिता की संपत्ति थी उसकी प्राप्ति हेतु जिसे एक राजतंत्र प्रक्रिया द्वारा हड़प लिया गया था उसके लिए उन्होंने लड़ा और उसके प्राप्त हेतु एक समान अधिकार प्राप्त करने के लिए संविधानिक प्रक्रियाओं को जन्म देने के लिए आगे आए। दूसरे पॉइंट में देखते हैं कि राजशाही प्रतीक को हटाकर फ्रांस की क्रांति का एक नया प्रतीक चुना गया जो एक तिरंगा था। यथार्थ रूप में कह सकते हैं कि जो क्रांतीय प्रतीक होते हैं उसका अलग ही अर्थ निकलता है। उसका पूर्ण रूप अर्थ यही है कि हमें किसी भी एक निरंकुश प्रक्रिया के खिलाफ लड़ना है। निरंकुश प्रक्रिया का ही अर्थ है राजतांत्रिक प्रणाली, जिसे खत्म करने के लिए उसके राजशाही तिरंगे को नष्ट कर दिया गया और तिरंगे तीन अलग अलग रंगों का एक प्रतिरूप तैयार करके उन क्रांतिकारियों ने क्रांतिकारी प्रणाली को जन्म दिया। अगले हेडिंग में आप अगले तीसरे पॉइंट में देखते हैं कि स्टेट जनरल को सक्रिय नागरिकों द्वारा चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया, जो कई राजतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत कई भागों में फ्रांस को बांटा गया था। सभी भागों के लोगों ने मिलकर अलग अलग वहां से हट कर आते हैं और आने के बाद नेशनल असेंबली को जो स्टेज के रूप में था उसको नए रूप में परिवर्तित कर देते हैं और नेशनल असेंबली का एक प्रादुर्भाव होता है जो राष्ट्र हितों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है उन क्रांतिकारियों का जिन्होंने अलग अलग स्थानों से मिलकर आए हुए थे। चौथे पॉइंट में आप देख सकते हैं राष्ट्र के नाम नए राष्ट्र गीत का नाम रखा गया। जो राष्ट्रगीत पुराना था उसे बदल दिया गया और क्रांतिकारियों ने स्वयं का एक राष्ट्रगीत तैयार किया। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को कायम किया गया जिसमें समस्त नागरिकों के लिए एक ही कानून बना दिए गए और उसे संपूर्ण अधिकार के लिए लागू कर दिया गया। उसमें किसी के लिए छोटा बड़ा कानून नहीं लागू किया गया और उसी को हम कह सकते हैं कि यह जनता का प्रशासनिक अधिकार था कि वह अपने इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए लागू करवाया। उसके बाद छठे पॉइंट में है कि फ्रांस में समस्त भूभाग पर
प्रचलित कस्टम ड्यूटी को समाप्त कर दिया गया। वह कस्टम ड्यूटी जो भूमि कर के रूप में हुआ करती थी, जो पूर्व में किसी भी भूमि के ऊपर लागू किया गया कर हुआ करता था, उसे समाप्त कर दिया गया और नए कर को वहां पर समाप्त करके कर ड्यूटी जो कस्टम ड्यूटी थी उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। आगे देखने को यह मिला कि भारण मानक पद्धति का जन्म हुआ, जिससे यह देखने को मिला कि वहां पर एक रूपेण व्यवस्था लागू कर दी गई, भार और मानक समाप्त करके वहां पर नए भार मानक पद्धति को प्रादुर्भाव में लाया गया, पुरानी पद्धति को ही खत्म कर दिया गया। आगे चलकर यह देखने को मिला कि क्षेत्रीय भाषाओं को नष्ट कर दिया गया, वहां पर फ्रेंच भाषा का जन्म हुआ और धीरे धीरे पूरे यूरोप में या लहर दौड़ी कि फ्रांस में एक नई पद्धति का विकास हो रहा है, एक नई पद्धति का जन्म हो रहा है, इसमें फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया रहा है और फ्रांस में राष्ट्रीय भावना का जन्म हो रहा है। तो इस तरीके से आपने हमारे इस आज के वीडियो में इतना ही पढ़ पाएंगे। अगले वीडियो में हम अगले लाइन के साथ उपस्थित होंगे, अगली हेडिंग के साथ उपस्थित होंगे। और इसी तरीके से हमारे इस वीडियो चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।